डब्ल्यू हो गई है तैयार साड़ी वाली पहन के मेरी शादी की चुन्नी और ये पूरे नेताजी के लुक में मैं आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं मानस और स्वागत है आपका एक बार फिर से सफरनामा में। तो गाइस आज फिर से एक बार हमारे यहाँ पूजा हो रही है और ये रुद्र अभिषेक कराया जा रहा है घर में और काफी दिनों बाद आज मैं कुर्ता पैजामा के गेटअप में हूँ। तो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायण ब्राह्मणो असमुख A few moments later. तो इस वक्त हम लोग चल रहे हैं कहाँ पे डब्लू? गाइस मेरे राइट साइड में है अंबेडकर पार्क। अभी तक ये बंद है, खुला नहीं, वरना चलते घूमते दिखाते आप लोगों को भी। खुला है? आधे घंटे बाद खुलेगा, 5 बजे खुलेगा। इस बड़ी आश्चर्य सी बात है कि पार्क दोपहर में नहीं खुल रहा, सुबह नहीं खुल रहा। पार्क खुलने की जो टाइमिंग है वो है 5 to 7 PM। वाह भाई वाह। सुबह नहीं खुलता? नहीं, सुबह भी खुलता है, मतलब सुबह 5 से 8, शाम को 5 बजे। अच्छा अच्छा। ये इसका गेट है, मेन गेट। एक एंट्री उधर से भी है और एक एंट्री यहाँ से भी है। टैंक को छूना एवं चबूतरे पर चढ़ना सख्त मना है। ओके तो गाइज इसकी जो है दो टाइमिंग चल रही है, एक सुबह 5 बजे से 8 बजे तक है और शाम की है 5 बजे से 7 बजे तक। तो अगर आप लोग आते हैं तो इस टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जून 2018 में हमारे घर में एक बार शादी थी तो हम लोग आए थे लखनऊ। हुआ क्या, हम लोग घुसे इस पार्क में, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतना पसीना हुआ ना कि हम लोग तुरंत यहाँ से भाग ली। तो आज मौसम भी अच्छा है, बदली भी छाई है, बारिश भी हुई है, तो मैंने कहा आज तो एक्सप्लोर करते ही हैं इसको। इस पार्क का जो टिकट है वो है 10 रुपीज़ का पर पर्सन। 5 बज चुके हैं, अपनी एंट्री हो रही है पार्क में। हम मेन गेट से ही एंटर कर रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि कोई टिकट नहीं लग रहा। ये भाई कहाँ चीटा वटा चढ़ गया मेरे ऊपर। पार्किंग इज ऑल्सो फ्री और हम आ गए टैंक के पास। ये 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, उस वॉर में ये टैंक गया था और इस टैंक का नाम है विजयंता। तो प्राउड ऑफ यू डल्लू। वैसे इस पार्क में है क्या? पार्क में कुछ नहीं, पार्क है। तो एक टैंक गाइज वो मेरे पीछे है और एक टैंक आप इधर देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी है। भाई ये कौवे इतने क्यों मंडरा रहे हैं मेरे ऊपर हैं? वाह क्या व्यू है यहाँ से, वाह। ऐसा लग रहा है कि किसी हवेली वगैरह पर खड़े हैं हम लोग, बहुत ही खूबसूरत। तो इस पार्क का इनॉग्रेशन जो है अगस्त 2014 में हुआ था। ये सामने मूर्ति लगी हुई है जनेश्वर मिश्रा जी की, ये पॉलिटिशियन थे समाजवादी पार्टी के ही, तो इन्हीं के नाम पर ये पार्क बनाया गया है और ये एशिया का सबसे बिगेस्ट पार्क है। इसमें कुछ है तो नहीं, बस लेक वगैरह है और ग्रीनरी है। तो चलिए यही देखते हैं, यही एंजॉय करते हैं। तो नीचे चल रहे हैं गाइस और इधर एक हमारा फाइटर जेट लगा हुआ है, मुझे लग रहा है ओरिजिनल ही है ये, और ये मेरे ख्याल से तेजस होगा डिज़ाइन, और वैसे तेजस ही लग रहा है ये। और यहाँ पर ज़्यादातर जो कपल्स हैं वो सेल्फी वगैरह खिंचवाने के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए ही आते हैं। ये है जनेश्वर मिश्र पार्क का कुछ मैप। तो कई चीज़ें हैं यहाँ पर, साइकिल ट्रैक वगैरह है, लेक वगैरह है, कई चीज़ें हैं। ये तेजस नहीं है, ये मिग टंगा हुआ है यहाँ पर, मिग 21। तो
तभी ये मुझे काफ़ी पुराना लग रहा था, क्योंकि अब जो मिग वगैरह आते हैं वो तो काफ़ी एडवांस हैं। 71 इंडिया चाइना वॉर में भी इसने पार्ट लिया था और कारगिल वॉर में भी इसने काफ़ी योगदान अपना दिया हुआ है। यहाँ से चलते चलते ऐसा ही लग रहा है कि हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इधर राइट साइड में है एक झील जो कि अभी बंद है, बोटिंग वोटिंग कुछ भी स्टार्ट नहीं है इसमें। काफ़ी हरी हरी घास गाइस, और काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम भी बदली का है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, ह्यूमिडिटी भी नहीं और काफ़ी मस्त मौसम हो गया है और हवा भी बड़ी ज़बरदस्त बह रही है इस वक्त। गाइस हम लोग लेक के पास आ गए हैं और मछली देखी, क्या ज़बरदस्त बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, गोल्डन कलर की, वाओ। तो गाइस इस पार्क का एरिया काफ़ी बड़ा है, 376 एकड़ में फैला हुआ है, मतलब ऐसे देखने में तो नहीं लग रहा लेकिन वाकई में है। और लखनऊ जू हम लोग जो गए थे वो सिर्फ 71 एकड़ था, तो कंपेयर कर सकते हैं उसके कंपैरिजन कितना बड़ा ये है। तो लेफ्ट साइड में कैंटीन भी है, मंदिर भी है, तो चलिए देखते हैं क्या है वहाँ पर। अब लोग कैसा लग रहा है घूम करके गर्मी में? पिछली बार आप जून में मुझे लेकर के आए थे, तपती जून की गर्मी में हम गेट नंबर 2 से घुसे और गेट नंबर 3 से बाहर हो गए। अच्छा, और अब भी मतलब अभी तो आज मौसम थोड़ा ठीक है पर चलने के बाद फिर से अब गर्मी लग रहा है। भाई पार्क में कब आओगी तुम? ठंड में मॉल वगैरह घूमने के लिए गर्मी है। डब्लू को बस मॉल घुमा तो जहाँ पे एसी हो, बढ़िया बढ़िया ठंडा हो, वो बढ़िया है इनके लिए। तो गाइस उस साइड मंदिर है, ये कैफेटेरिया है इनका, ये बैठने उठने के लिए बेंच वगैरह है। हम चलते हैं इस वक्त क्योंकि इधर पेड़ बड़े अच्छे लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है और पूरा सिनेमेटिक लुक और फील आ रहा है यहाँ पर। तो नेचर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या कुछ भी मूवी वगैरह शूट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है गाइस, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हम विदेश में हो कहीं, लग ही नहीं रहा कि लखनऊ में हम हैं। मुझे तो ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती हैं, पूरी हरियाली, पूरी हरी हरी घास, पेड़, नेचर, आसमान नीला सा, वाह, मेरे लिए तो इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। और पेड़ों की कटिंग क्या ज़बरदस्त कर रखी है, मतलब एक ही डिज़ाइन में पूरा पेड़ काट रखा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, और ज़्यादा मज़ा, मज़ा ही मज़ा। तो कपल्स के लिए काफ़ी अच्छा पार्क है गाइस, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, अलग अलग कोने हैं, कहीं बैठ जाइए कुछ पता ही नहीं चलेगा। गाइस इस पार्क में कुछ है नहीं वैसे, अगर आपको वॉकिंग करने का शौक़ है या वॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मुझे लगता है 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का पूरा सर्किट होगा ये पूरा। तो लेक के ऊपर इस तरह के कई पुल बने हुए हैं, चलने मज़ा आता है काफ़ी, बोटिंग वोटिंग करने में काफ़ी मज़ा आता होगा, लेकिन अभी तो सब बंद है और बोट भी नहीं दिख रही मुझे कहीं, बोट वगैरह भी नहीं है। ये है शेल्टर नंबर 15 और दीवारों पे लैला मजनू ने जो है अपना नाम अंकित कर रखा है जगह जगह पर। यहाँ भी एक बीच में एक मुझे फाउंटेन टाइप का दिख रहा है, लेकिन अभी कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन फाउंटेन इसमें ज़रूर होगा। बैठने जा रही हो क्या डब्लू? डब्लू थक चुकी हैं तो बैठने गई हैं, और हम भी थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं यहाँ पर। इस दिल्ली वगैरह में तो मतलब ऐसी जगह मिलती ही नहीं है, और अगर होती भी हैं तो इतनी भीड़ भाड़ होती है ना, मतलब वहाँ जाने का मन ही नहीं करता। यहाँ देखिए खुला खुला सन्नाटा, खाली, कोई है ही नहीं। देख सकते हैं अभी कितनी डिस्टेंस और है, बहुत ज़्यादा दूर है अभी यहाँ से। ये गेट नंबर 2 है और अभी हम यहाँ पर हैं, तो अभी देखिए कितना आगे स्पेस है, खेल का मैदान वगैरह है और राष्ट्रीय ध्वज वगैरह है, भाप इंजन वगैरह भी रखा हुआ है यहाँ पर, तरह तरह के लोग यहाँ पर जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके। गाइस इतना बड़ा पार्क है ना, मुझे लगता नहीं कि ये पैदल घूम पाना आसान है किसी भी आदमी के लिए, तो यहाँ पर जो है कोई गाड़ी वाली ज़रूर चलानी चाहिए इन लोगों को, ताकि जो वृद्ध लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो आराम से घूम सकें इस चीज़ को। फ्लैग दिखाना था आपको, फ्लैग का डंडा तो लगा हुआ है लेकिन फ्लैग है ही नहीं।
बहुत दूर है भाई, मेरे बस की बात नहीं है दूर जा पाना। अब हम यहाँ से ले लेते हैं यू टर्न, यूं यूं और यूं। गन्ना ही लग रहा है मुझे तो। गन्ना ऐसा होता है, पास है ये। यहाँ पे फूड कोर्ट, एमपी थिएटर, घाट, नॉर्थ गेट, टॉयलेट, सब कुछ है। आप चलते चलते थक जाएंगे, लेकिन ये पार्क ख़त्म नहीं होगा। अब इससे ज़्यादा मैं वॉक नहीं कर सकता हूँ, अब हमें वापस जाना चाहिए। पहले लखनऊ में ना एक दो पार्क हुआ करते थे, कहीं जाना बुद्धा पार्क चले जाओ, उससे बगल में तो हाथी पार्क था, वही सब अट्रैक्शन थे पहले, कुकरैल वगैरह था। अब ये सब भाई भीमकाय और विशालकाय पार्क बन गए हैं। वो सब पार्क ऐसे थे, झूले लगे हैं, चलो और ख़त्म। मतलब उसी में काफ़ी मज़ा आता था उस टाइम। जगह जगह स्पीकर्स भी इन्होंने लगा रखे हैं, तो आप लोग म्यूज़िक का भी आनंद लेते चलिए और अपना वॉक वगैरह जॉगिंग वगैरह करते रहिए। पार्क में घूमने के लिए गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे खड़ी हुई हैं, तो चलो अच्छी बात है ये। और ये अच्छा किया है कि एक जगह एक ही तरह के पेड़ इन्होंने लगा रखे हैं, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है मेरे पीछे, वाव। और गेट नंबर एक का जो फाउंटेन है वो स्टार्ट हो गया है, अभी लाइट वगैरह नहीं जलेगी, लाइट वगैरह जलेगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। 5 बजे हमने एंट्री ली थी और 6:30 बजे हम निकल रहे हैं इस पार्क के बाहर। तो पिकनिक मनाने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, मस्ती करने के लिए, इन्जॉय करने के लिए बहुत अच्छा पार्क है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इसका गूगल मैप का जो लिंक वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी चेकआउट करके आ सकते हैं यहाँ पर। तो कैसा लगा गाइस ये वीडियो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और मेरे भाइयों, मैं कहते कहते थक गया, उसको सब्सक्राइब भी कर दो, एक लाल कलर का बटन होता है यहाँ पर जिसके ऊपर लिखा रहता है सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं दबाया वो उसको दबा दें, और उसके बगल में घंटी का ऑप्शन होता है तो टर्न करके उसको मार दो, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप उस वीडियो का आनंद उठा सकें। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रहा करिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।